इस बार का आईपीएल बड़े बड़े कारनामे कर रहा है और सबसे बड़ा कारनामा तो सनराइजर्स हैदराबाद कर रही है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी, जिसे एक्सपर्ट ने ट्रेविशेक का नाम दिया है, वो इस तरह की बल्लेबाजी कर रही है कि अब T20 में बल्लेबाजी की नई परिभाषा लिखी जा रही है। 8 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैच हुआ उसमें भी ऐसा ही हुआ। लखनऊ ने 167 रनों का जो टारगेट दिया था वो हैदराबाद ने मात्र 58 बॉल में पा लिया। कभी ऐसा स्कोर T20 मैच जीतने के लिए काफ़ी होता था। लेकिन इस वीडियो में हम इस बैटिंग की बात नहीं करेंगे, बात उस मसले की होगी जो मैच खत्म होने के बाद हुआ। इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मालिक संजीव गोयनका अपनी टीम के कप्तान KL राहुल से बातचीत कर रहे हैं। अब इस वीडियो का ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रहा है, ना ही ये सामने आया है कि बातचीत क्या हुई है, लेकिन वीडियो में जो हाव भाव दिख रहे हैं वो कहानी बयां कर दे रहे हैं। अपनी टीम की ऐसी कुटाई होने के बाद मानो संजीव गोयनका अपने ही कप्तान पर पूरी तरह बरस पड़े हो। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा है कि संजीव गोयनका ने KL राहुल के साथ ज्यादती की है और बदतमीजी भी। वीडियो में संजीव गोयनका काफ़ी आक्रामक अंदाज में कुछ बताते समझाते दिख रहे हैं और KL राहुल उनकी बात सुन रहे हैं। ट्विटर पर वो फैंस जो कभी KL राहुल की धीमी बल्लेबाजी की आलोचना करते हैं वो आज भी उनके समर्थन में आ गए हैं और इस तरह के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं। लखनऊ की टीम का इस साल प्रदर्शन काफ़ी खास नहीं रहा है। टीम अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही है और ऊपर से इस तरह की शर्मनाक कही जाने वाली हार मिली है। अब टीम का ऐसा हाल हो, मालिक का पैसा लगा हो, तो भावनाएं थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन संजीव गोयनका को ये भी समझना चाहिए कि मैच के बाद मैदान के बीच में जिन कप्तान को वो इस तरह डांट रहे हैं वो टीम इंडिया का खिलाड़ी है, देश के लिए खेलता है और कप्तानी भी कर चुका है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान के बीच में अगर कोई बात होती भी है तो वो बंद कमरे में हो तो ही बेहतर है, क्योंकि ये क्रिकेट है, यहाँ हार भी होगी जीत भी होगी, लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो किसी खिलाड़ी या टीम के कप्तान के साथ इस तरह का व्यवहार, वो भी तब जब वो मैदान में ही खड़ा हो जहाँ सिर्फ खिलाड़ी की ही चलती है, किसी मैनेजमेंट की नहीं। वैसे आपको तो याद होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स से पहले IPL में संजीव गोयनका की एक टीम और थी, पुणे सुपर जायंट्स। वहाँ भी कप्तान के साथ इसी तरह का व्यवहार हुआ था, जब MS धोनी को एक ही सीजन के बाद ये कहकर कप्तानी से हटा दिया गया था कि उनकी कप्तानी में वो बात नहीं है और टीम अच्छा नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका भी तब सोशल मीडिया पर MS धोनी को लेकर ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते थे जो धोनी के लिए नहीं होते थे। अब एक बार फिर से फ्रेंचाइजी लोगों के निशाने पर आई है और एक बार फिर वजह कप्तान के साथ बुरा व्यवहार ही बनी है। आपने भी ये वीडियो देखा होगा, आपको KL राहुल के साथ जो ये व्यवहार हुआ है वो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।